संसद बजट के दूसरे सत्र में 23 दिन लगातार ठप पड़ी रही, लगभग ना के बराबर काम हो सका है। कांग्रेस टीडीपी आते ही शोर मचाते हैं और संसद स्थगित करनी पड़ती है और बस फिर अगले दिन यही सब चलता है। आम जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है रोज। अभी टीडीपी अविश्वास पत्र को लेकर हंगामा कर रही है तो कांग्रेस दलित पर राजनीति कर रही है। हर घंटे के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन विपक्षियों को कोई सुध नहीं। वे अपनी मोटी कमाई और वेतन लेके चलते बनते हैं। ऐसे में अब खुद मोदी सरकार ने संसद के 23 दिन बर्बाद होने के बाद एक बड़ा एक्शन लिया है। अभी मिल रही ANI न्यूज के मुताबिक काम नहीं तो वेतन नहीं की तर्ज पर NDA के सांसदों ने अपने 23 दिन के वेतन और भत्ते को नहीं लेने का बड़ा ऐलान किया है। केंद्र रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बुधवार को कहा कि संसद में गतिरोध की वजह से कामकाज नहीं होने के कारण NDA के सांसद 23 दिन के अपने वेतन और भत्ते का त्याग करेंगे। अनंत कुमार ने कहा, संसद में कामकाज नहीं होने की वजह से भाजपा NDA सांसदों ने 23 दिन के वेतन और भत्ते नहीं लेने का निर्णय लिया है। यह पैसा लोगों की सेवा के लिए दिया जा सकता है और अगर हम ऐसा करने में सक्षम नहीं तो हमें पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस महत्वपूर्ण बिलों को पारित होने से रोककर गैर लोकतांत्रिक कार्य कर रही है, जिससे हमारे करदाताओं का धन बर्बाद हो रहा है। रोचक बात तो यह है, संसद में अवरोध के लिए अनंत कुमार ने मात्र कांग्रेस पर निशाना साधा, जबकि विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मौकों और विभिन्न मुद्दों पर संसद की कार्यवाही बाधित की है। अनंत कुमार ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी को मिले जनादेश के बाद कांग्रेस असहनशील हो गई है। हम जनता की बात करते हैं। 5 मार्च को शुरू हुआ बजट सत्र का दूसरा और अंतिम भाग बिना किसी चर्चा के ही समाप्त हो गया था। इसके लिए विपक्षी पार्टियों और सरकार ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए थे। जहां पहले 5 दिन कांग्रेस ने बैंक घोटाले को लेकर संसद की कार्रवाई बाधित की, इसके बाद YSR कांग्रेस और तदेपा ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर अविश्वास पत्र ले आए। इसके अलावा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, माकपा ने भी कार्रवाई बाधित की। बता दें कि संसद का दूसरा हिस्सा शुक्रवार को खत्म हो चुका है और आंध्र प्रदेश की पार्टियां समेत दूसरे कई अन्य मुद्दों को लेकर पिछले दिनों संसद हर दिन ठप रही और लगभग कोई कामकाज नहीं हो सका है। हालत यह हुई कि सरकार को वित्त विधेयक भी आनन-फानन में बिना किसी बहस के ही पास करना पड़ा। असल बात तो यह है कि कांग्रेस कोई काम होने नहीं देगी और 2019 के चुनाव तक वो ऐसा ही करती रहेगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।